सरकार ने तो हाथ जोड़ के बेनती है कि सेंटर च कभी बीजेपी ना आवे। इस तो अच्छे दिन होर कड़े सारे दे डंडे पैन डे, चाहे कोई भी हैगा लाइन दा। ऑलमोस्ट 3000 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂੰ 4000 ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਾ ਆਣ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਆ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੇੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਡਰੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ 10000 ਦਾ ਆ। अच्छे दिन आए, पता नहीं कदों आए है, साढ़े तक तो पहुँचे नहीं अच्छे दिन। हूँ तो मेरे ख्याल में जान की तैयारी जी ने। अच्छे दिन तो सुपने आए थे, हूँ तो कभी आए ही नहीं। वो बुरे दिन ही आते पे, मैं जो देखे वा। पूरी इंडिया दे एक रेट होना चाहिए तो जायज रेट होना चाहिए। जोड़े बंदे गरीब बैठे हुए हैं उन्होंने आप किस तरीके आप हैंडल करना, कि नहीं करना। गरीबों के कोई है ही नहीं, वाली बार से कोई नहीं गरीबों का। अगे 100 का पवाईदा ही, घट्टो घट्ट 2 दिन निकल जाते थे। हूँ तो 100 का मसे पवा के तो शाम तक चलता है। वो तो गल ही छोड़ दो, जुमले ही सरकार है, वो तो जुमले मार दी है, कहती कुछ है तो करती कुछ है। साइन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं रविगल। देश के दे दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, महीने च 2-3 बार पेट्रोल के रेट जो बढ़ जाते हैं, उस चीज़ का आम लोगों की जेब के उत्ते की असर पैंदा ने। असी पेट्रोल पंप के उत्ते पहुंचे ना, गलबात करते हैं। की नाम है जी तुहाडा? मेरा मोहम्मद रंदीम जी। किवें देखदे हो कि महीने च 2-3 बार पेट्रोल का रेट बढ़ जाता, पेट्रोल डीजल का हुण 100 तो पार पहले ही हो चुका है, फिर दोबारा रेट बढ़ गया है, जेब के उत्ते किन्ना का असर पिया? बहुत असर पिया जी, बहुत असर पिया। अगे 100 का पवाईदा ही, घट्टो घट्ट 2 दिन निकल जाते थे। हूँ तो 100 का मसे पवा के तो शाम तक चलता है, 2 गेड़े वजने का तेल खत्म, बहुत औखा हो रहा जी। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बहुत अच्छे दिन आ गए, मैं कहना इदा के अच्छे दिन कभी ना आन तो रब ही बचावे इदा के अच्छे दिन। तो उम्मीद तो बहुत सी, बाकी कुछ नहीं हो पाया, बहुत माड़ा हाल है। हूँ किमें लगता है कि अगे एक दिन के मुंडे काफ़ी गेड़ी गुड़ी मार लेंगे शहर की, हूँ की हालात है? गेड़ी का तो इदा है जी, हूँ तो दुकान पर आते डरीदा है। हूँ साइकिल लैन में सोच रहे थे, लेकिन वह भी 10000 का है। हूँ 100-110 रुपये का पवाया शाम तक, कल फिर पवाना पै जाना, बुरा हाल है। काम हो ना हो तेल पवाना है, बहुत औखा है जी, बहुत ज़्यादा औखा। सरकार तो की आस रखते हो, जो सेंटर के बीजेपी सरकार आनी सी, उन्होंने कहा था कि जो देश के सरकार बन गई तो असी सब तो पहले पेट्रोल तो डीजल के रेट घटावे। कच्चे तेल का रेट तो पहले ही घट चुका है, वह वधदा नहीं पाया, पर पेट्रोल डीजल के रेट जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जेब के उत्ते किन्ना असर पाया है? कि कल्ला पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है कि सैलरी भी वधी तुहाडी? सैलरी तो मेरा तो चलो अपना काम से, उस तो बहुत ज़्यादा घट गया है काम। सलून साडा बहुत रेट हूँ, तो गल की सेंटर सरकार की, तुम वो तो गल ही छोड़ दो, जुमले ही सरकार है, वो तो जुमले मार दी है, कहती कुछ है तो करती कुछ है। पहला सब कहते हैं, बाद च करता कोई नहीं जी। रसोई गैस देख लो तुम, 1000 रुपये में पहुँच गई है, 43 फिर लो जी पटाका। यदा फिर आम जनता भी असर पैना जी, अगे दाल कितने हूँ, मुर्गे को भाता दाल पहुँची हुई है, सरसों का तेल देख लो 200 रुपये की करूगी जनता आम। फिर कहते काम नहीं, काम तो सी लेकिन इन्होंने महंगाई नहीं बढ़ाती, आम ही असर आप भाई लोगों की, फिर साड़ी जेब पर ही असर पैना। सरकार ने तो हाथ जोड़ के बेनती है कि सेंटर च कभी बीजेपी ना आवे, आवे तो कोई चंगे बंदे ही आन। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, दिल्ली से बहुत सहूलत उन्हें कीतियां, इतने भी अभी चाहते हैं कि बने या जो भी बने तो अच्छा करे आम जनता। पार्टी तो किसी नहीं होंगे भाई, अच्छे दिन ही चाहिए होंगे सारियां, थोड़ा बहुत रसोई गैस सरसों का तेल या घर दी जरूरत यही काम हो जाए वधिया, तो वधिया है बाकी जी। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जे बिल्कुल जी, ये तो पेट्रोल के उत्ते ही है। देखो जी पेट्रोल का रेट बढ़ेगा हर चीज़ का, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का रेट आप ही बढ़ जाना, फिर वो सारा फिर आम जनता ही पैंदा जी। बुरा हाल है इस टाइम, बहुत बुरा हाल है। सो होर भी लोग साडे नाल मौजूद है, उन्होंने गलबात करते। भाई की नाम है जी? मेरा जगजीत सिंह जीता। किवें देखते हो कि महीने च 2-3 बार पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ ही जाता है, 100 तो पार हो चुका है, 103 रुपये पेट्रोल हो चुका है, सरकारों को की कहना चाहते हो? सरकार बुरा हाल है, पेट्रोल दे हर चीज़, पेट्रोल डीजल गैस देख लो, आम लोग मरे पे आ, किसी अगे बोल नहीं सकते, की करूंगे कोई। आ किसानों का देख लो, आ कल जो हालात हुए उत्थे यूपी दे विच।
कोई इंटरनेट सुविधा सब सब कुछ बनता है। इदा की सरकार हिंदुस्तान का जो युवा वो नहीं मंगता। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? इस तो अच्छे दिन होर कड़े सारे के डंडे पैन डे, चाहे कोई भी है लाइन का, कोई भी ट्रेड का बंदा आ थल्यो लैके एक थल्यो जमीनी स्तर तो लैके उपर तक सब सरकार का बुरा हाल है। सेंटर की सरकार ने तो धूं क्या लोगों का। जिस टाइम बीजेपी सरकार बननी सी उस टाइम मोदी साहब ने एक चीज़ कही ही, जे साडी सेंटर दे विच सरकार आएंगी सब तो पहले रसोई दे गैस सिलेंडर का रेट घट करांगे, पेट्रोल डीजल का रेट घट करांगे, पर उहदा उल्टा ही हो रहा। अज तुसी सोशल मीडिया से देख लो जो जो मोदी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, तेल के रेट कम हुए, हर चीज़ मीडिया उन्होंने दिखाती, पर मोदी भगतों के सिर ते जूं तक नहीं सरकदी। वो कहिंदे इस सवा मतलब कि देश दे विच जे सही सरकार चली है तो पिछले साढ़े चार पाँच सात साल की सरकार मोदी सरकार तो पहले कुछ होया ही नहीं। जो कुछ लोगों के डंडे पैन डे सब कुछ हो गया वो आप पिछले 70 साल नहीं होया जो 7 साल हो गया। तुसी भी एक ताड़ा अपना निजी तौर पर चैनल होगा जब तुसी उस वर्किंग करते, तुसी भी रोज़ यही रास्ते चो गुजरते जिस सारी दुनिया निकलती है, तुहानू खुद नू की फील हुंदा है? किसी लोगों के कहो ना किसी लून ये लून वाली गल्लां आ, हर कोई बंदे दी जड़ी जवान आ वो यही है, वो कहिंदा कोई नहीं। जिहड़ा मध्यम तर वर्ग का बंदा ना वो तो धुआं निकलिया पिया। महंगाई इन्नी ज़्यादा हो गई है कि लोगों की जेब के उत्ते खामा जोर पै रहा है कि क्यों तनखावां उन्नियां कि ने, क्योंकि जिहड़ा मिडल क्लास फैमिली का छोटी जी दुकान पर काम करता 10 तो 15 हज़ार रुपया या 12 हज़ार रुपया तनखा आ, पर पेट्रोल डीजल के रेटा देखते दे हुए कि घर उन्होंने हूँ बाइकों तो कढ़निया बंद कर दी, उन्हों का कहना कि असी साइकिल ले लें। देखो जोड़े लोग कहें तुम कि मतलब मध्यम वर्ग का महंगाई के करके लोगों नौकरियां चल गई, जोड़ा कोई 15 हज़ार से सी इस टाइम वो 7.5-7, 8-9 हज़ार, 10 हज़ार से काम कर दिया, उन्होंने लोड आ अपने न्याणिया दीसा लै लो कुछ भी आ। तुम क्या मोटरसाइकिल घटाते हैं जिते लोग अजकल सैकल की वरतों ज़्यादा कर लगते हो सैकल की, इस करके साडा पेट्रोल तो खर्चा आ 100 रुपये 200, 103 से 104 रुपये 3 रुपये पेट्रोल आ इस टाइम, की करूँगे तुम की करूँगे बंदा? सरकार यही है गरीब बुरा हाल आ, मध्यम वर्ग का ज़्यादा जोड़ा छोटा आ वर्ग वो भी अपना इधरों उधरों देख के गुजारा कर लेंदा जिन्ने च हैगा ठीक है उन्होंने कर, लेकिन ना अपर क्लास में कोई फर्क आ उन्होंने, चलो ठीक है वो कहें महंगाई है जी उन्होंने जोड़े अपने कारोबार और जोड़े अपने मध्यम वर्ग के उन्होंने को जॉब करते काम करते उन्होंने सैलरी कटौती करी जाते उन्होंने माड़ा मोटा उन्होंने कोई फर्क नहीं है, फर्क हैगा तो मध्यम वर्ग में ज़्यादा फर्क है। तो साढ़े ना होर भी लोग मौजूद ने, किमें देखते हो पेट्रोल डीजल के रेट तो रसोई गैस के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई में देखते हुए की कहना चाहते हो? सर महंगाई में देखते बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगा कि रेट तो जोड़ा है पेट्रोल का बाकी स्टेट्स के घट है, इतने साढ़े सब तो ज़्यादा जो टैक्सिस पै रहे हैं वो करके रेट जोड़ा है वह आ रहा, सो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। अगे जी साड़ी खपत सी मतलब मेरा ऑलमोस्ट 3,000 के पेट्रोल के नाल एक महीना लंघ जाता है, अज उ पेट्रोल मैं 4,000 का पाना पै रहा पूरा महीना क्ढन लिए, कितना कितने रेट जोड़ा वध रहा गरीब की जिंदगी उत्ते ही जोर जोड़ा वह पै रहा आम बंद की जेब पर पै रहा। महंगाई भी बढ़ रही है कि सैलरियां भी वधिया ने? सैलरीज तो उत्थे दियां उत्थे ही ने, सैलरी नहीं बधी, महंगाई बढ़ रही है, डे टू डे जिहड़े खर्चे ने जिंदगी नूं चलाउण दे जन जीवन जिहड़ा है अस्त व्यस्त होया पिआ क्योंकि खर्चियां दे नाल सारा बजट हिलिया होया, पर जिहड़ी सैलरी है उहनूं किसे कदी देखिआ ही नहीं जांदा उस चीज़ नूं, ना जॉब्स नवीआं आ रहीआं ने ना ही कोई सैलरीज बढ़ रही। अच्छे दिन आए पता नहीं कदों आए आ, साडे तक तां पहुंचे नहीं अच्छे दिन, हुण तां मेरे ख्याल नाल जाण दी तैयारी च ने। मोदी साहब ने जो कहा है कि साड़ी सेंटर दे विच बीजेपी की सरकार आँदी है सब तो पहले पेट्रोल डीजल के रेट रेट असी 40 से 50 रुपये करांगे, पर उहदे उल्टे ही हो गया। बिल्कुल ये कह रहे हैं जी देश की डिवेलपमेंट हो रही है तो वो सिर्फ इन्हों को पूछे भी रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम के नाल ही जी आप करनी है देश की डिवेलपमेंट करने लिए, असं होर कोई काम नहीं कर सकते, ना असं जॉब क्रिएट कर रहे हैं ना असं कोई देश के लिए होर कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ असं पेट्रोल डीजल गैस इन के रेट बढ़ा रहे हैं और उधर असं डाटा फ्री दे रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, एक तो नौजवानों को बेरोजगारी का पता नहीं लग रहा क्योंकि 2-2 GB डाटा रोज़ का मिल रहा, बंदे बिजी किए हुए और इधर पेट्रोल के रेट जो बद रहे हर चीज़ के रेट बद रहे। सो साडे नाल पुलिस मुलाजम भी मौजूद ने, किमें देखते हो कि तुम महीने च 2-3 बार तो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ जाता है कि असर पै रहा जेब के उत्ते? जेब के उत्ते तो आप गल करते हैं जिदा कोई आम आदमी आ जोड़ा रोज़ कमा खाना तो वो उत्ते ज़्यादा असर पै रहा, तो नाले पूरी देश की साढ़े जी आर्थिक स्थिति आ
ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈੱਟ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਛੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ बस गवर्नमेंट ने एक ही रिक्वेस्ट हैगी है भी जो असी आप दूसरे मुल्कों असी तेल सस्ता दे रहे हैं भी साढ़े अपने मुल्क दे विच जिहड़ा पेट्रोल है वो ही रेट सानू दे देण जिद्दां इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वही रेट साढ़े विदेश विच कह तो टैक्स ज़्यादा वध जांदा गवांढी मुल्क पाकिस्तान है पाकिस्तान भी सस्ता है नेपाल भी सस्ता है होर सारे पासे चल जाओ तो साडी स्टेट है जी एक स्टेट दूसरी स्टेट जाइए तो रेट का फर्क पै जांदा जी हिमाचल चल जाओ उत्थे हो जांदा ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੇਬ ਦੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ 90 ਤੋਂ 95 95 ਤੋਂ 100 ਹੁਣ 170 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਦੱਸ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁਖਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਸ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਗੈਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ 45 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 945 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਅ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ 400 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ 50% ਫਿਰ ਮਿਲੀ 70 ਹੁਣ 80 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਈ 80 ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਰੇਟ ਹਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਬਈ ਤੇਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀਵਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੋ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 103 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ GST ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਟ ਜੇ 10 ਪੈਸੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 1-2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਸਿੰਗਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬਣਿਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲ ਸੈਮਸੰਗ ਵੀਵੋ ਓਪੋ ਰੀਅਲਮੀ MI ਦੇ ਫੋਨ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦੋ ਨਾਲ ਪਾਓ ਫ੍ਰੀ ਗਿਫਟ
ग्राहक का समा बचाते हुए सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर घट रेटा से मोबाइल रिपेयर भी की जाती है। फगवाड़ा के 20 किलोमीटर के एरिए फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। सिंगट्रॉनिक तो तुसी आसान किश्तां ते भी फोन खरीद सकते हो, नाल मिलणगे आकर्षित गिफ्ट। इत्थे सेकंड हैंड फोन ते मोबाइलां दी हर तरह दी एक्सेसरी भी मिलदी है। फिर देर किस गल दी, अज ही पहुंचो सिंगट्रॉनिक्स मोबाइल्स गैजेट्स एंड रिपेयर, गुरु हरगोविंद नगर फगवाड़ा। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 98141 0824 98552 22000।